की धज्जियां उड़ गईं। 2017 में मेयर देने वाली बसपा और 2022 में मेरठ में चार विधायक देने वाली सपा मुसलमानों के बीच अपना यकीन बरकरार नहीं रख पाए। अतीक और उसकी फैमिली को लेकर मुसलमानों के दिल में जो हमदर्दी थी, अब वो वोट बनकर के AIMIM के साथ खड़ी हो गई। AIMIM के प्रत्याशी के तौर पर मेरठ के मोहम्मद अनस ने 1,28,000 वोट हासिल किए। निगम के मेयर पद के चुनाव में एक बड़ा चमत्कार AIMIM ने किया है और किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि ये प्रत्याशी 5वें, 6वें, 7वें नंबर पर होगा, लेकिन इस चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी ने यहाँ पर अपना मेयर जिताया है। मेरे साथ मोहम्मद अनस मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आपको उम्मीद क्या थी? ये तो लीडर की पॉलिसी करती है, कैंडिडेट की पॉलिसी तय करती है कि वो आवाम को कितना कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब हो सकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि तमाम लोगों ने वादे किए, तमाम लोगों ने जो है बीजेपी को हराने का की बात कही, लेकिन हमने कहा कि हम इस बार इक्वालिटी को लेकर चुनाव मैदान में हैं, हिस्सेदारी को लेकर चुनाव मैदान में हैं, डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव मैदान में हैं, और हम यहाँ पर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में को आगे बढ़ाने को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी को हराने और जिताने के नाम पर तो बहुत चुनाव हुए, इस बार डेवलपमेंट के नाम पे वोट, हिस्सेदारी के नाम पे वोट। आवाम ने हम पर यकीन जताया, आवाम को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, आवाम ने हमारे हक में बड़ी तादाद में वोट का इस्तेमाल किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। अलीगढ़।